हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि किस तरह से हमें पता चले कि अमेज़ॉन पे जो भी प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं वो उसका ब्रांड अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसकी अमेज़ॉन के साथ रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं है, या वो ब्रांड यूएई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसके दो एस्पेक्ट्स जो है वो हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि वो ब्रांड यूएई में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम उसका ट्रेडमार्क चेक कर सकते हैं, किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि वो ब्रांड रजिस्टर्ड है कि नहीं है। प्लस उसके बाद ये होता है कि सम ब्रांड्स जो हैं वो हमें पता है कि वो ब्रांड्स हैं, वर्ल्ड वाइड वो ब्रांड्स होते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि वो अमेज़ॉन यूएई के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं लेकिन वो यूएई में सेल नहीं कर रहे, इस वजह से वो अमेज़ॉन यूएई के साथ उनकी रजिस्ट्री नहीं है, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से उनमें भी हम लिस्टिंग कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी कुछ न्यू सेलर्स जो है वो आते हैं, जैसे न्यूबीज कुछ होते हैं, हम में से बहुत से न्यू लोग हैं जो के ज्वाइन करते हैं अमेज़ॉन सेलर को, और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि कौन सा ब्रांड है कौन सा ब्रांड नहीं है। वो लिस्टिंग करते हैं कुछ भी जो है वो प्रॉफिटेबल या कुछ भी अच्छा प्रोडक्ट देख के वो मी टू कर देते हैं, उसमें मैपिंग कर देते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं, और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है और हमें इस पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ। प्रॉब्लम उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं आपको अमेज़ॉन की तरफ से, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसीज इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें फेस करना पड़ सकती हैं। आपको जो है वो कॉपीराइट का स्ट्राइक जो है वो मिल सकता है, आपको ट्रेडमार्क का कंप्लेंट जो है वो रिसीव हो सकता है, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट वो रिसीव हो सकता है, आपको ब्रांड इंफ्रिंजमेंट ये कंप्लेंट जो है ये रिसीव हो सकता है। जो ब्रांड है वो डायरेक्टली अमेज़ॉन को रिपोर्ट करेगा कि ये सेलर जो है वो ये मेरी प्रोडक्ट सेल कर रहा है विदाउट माई परमिशन और विदाउट माई ऑथराइजेशन। तो ये जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि आप न्यू सेलर होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि क्या करना है कैसे करना है, और आप जो है वो इसमें सफ़र करेंगे। तो ये थोड़ी सी मैं एक प्रैक्टिकल आपको जो है इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि कैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हम यहाँ पे आएंगे अपनी ईमेल में। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिसेंटली, वो भी न्यू सेलर हैं, तो उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया इस बारे में, और उन्होंने ब्यूटी जो कैटेगरी है वहाँ से एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट उठाई और उन्होंने उसको सोर्स किया कहीं से, और उन्होंने वहाँ पे मैपिंग करके उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, उनको इस तरह से कॉन्सिक्वेंस जो है वो मिला कि उनको एक ईमेल रिसीव हुई जो उन्होंने अभी हमें कुछ दिन पहले जो है वो सेंड की है। ये ईमेल आपके पास है, आपके सामने है, तो आप ये ईमेल देख सकते हैं। ये यूएई का ही, यहाँ का ही है, और इसी मंथ का ये जो है, ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो किस तरह से इसको हमने जो है वो कंसिडर करना है, और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि ब्रांड रजिस्टर्ड चेक करना और ब्रांड की लिस्टिंग में लिस्टिंग ना करना कितना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ये जो है ये इसकी ईमेल जो अमेज़ॉन की तरफ से रिसीव हुई है, और हमारे दोस्त जो हैं जिनकी आजकल हम इस इशू में हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी जो ईमेल जो उन्होंने हमें फॉरवर्ड की है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ कि Amazon कह रहा है, हेलो, वी रिमूव्ड सम ऑफ योर लिस्टिंग्स बिकॉज वी रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम अ राइट्स ओनर। तो यहाँ पे राइट्स ओनर कौन है? राइट्स ओनर वो होगा जिसके पास इस प्रोडक्ट को सेल करने के, यूएई में, इस कंट्री में सेल करने के राइट्स होंगे। तो राइट्स ओनर वही है, राइट्स ओनर दैट दे मे इन्फ्रिंज द राइट्स ओनर्स ट्रेडमार्क। ओके, तो राइट ओनर ने क्या कहा है कि ये बंदा या ये सेलर जो भी है,
ये इसकी प्रोडक्ट्स जो भी ये सेल कर रहा है तो ये हमारे जो ट्रेडमार्क है उसको इन्फ्रिंच कर रहा है, मींस हमारे ट्रेडमार्क की कॉपी करके ये सेलर एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, हमारी ही प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है। द राइट्स ऑनर कम्युनिकेशन अबाउट द एलिजड इन्फ्रिंचमेंट एंड द लिस्टिंग्स वी रिमूव्ड आर एट द बॉटम ऑफ दिस मैसेज। तो अभी यहाँ पे वो क्या कह रहा है हमें, चलिए ये ठीक है, ये हमें कह रहा है कि वी रिसीव द रिपोर्ट फ्रॉम राइट्स ओनर दैट वन और मोर ऑफ योर लिस्टिंग्स आर इन ऑथेंटिक, कि वो कह रहे हैं कि ये आपकी लिस्टिंग जो है आपने की हुई है ये सही नहीं है, और ये राइट्स ओनर जो ट्रेडमार्क का ओनर है जिन्होंने यहाँ पे यूएई में ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है उनकी तरफ से ये कंप्लेंट आई है आपकी आपके अगेंस्ट। ओके, देन वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने लिस्टिंग को रिमूव कर दिया आपकी लिस्टिंग को, और अब वो कह रहे हैं हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई लिस्टिंग, तो इसके लिए वो ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अभी अमेजोन जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि आप हमें या तो इन्वॉइस दें, एन इन्वॉइस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, सो आप एक ऑथराइजेशन का लेटर दे दें कि आपको इस ब्रांड ओनर या राइट्स ओनर या ट्रेडमार्क ओनर से एक ऑथराइजेशन लेटर मिला हुआ है कि आप ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या आप एक इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं। इनवॉइस के लिए भी अमेजोन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मीट करना पड़ता है, या और ए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और राइट्स ओनर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट योर प्रोडक्ट्स आर लॉफुल। या वो कह रहे हैं कि एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हमें आप प्रोवाइड कर दें, राइट्स ओनर से हो या मैन्युफैक्चरर से हो, इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर से हो तो वो हमें प्रोवाइड कर दें, और जो है वो हम इनमें से कोई भी एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये जो हमारे दोस्त हैं हमने इनसे डिस्कशन की तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास एक इनवॉइस, जो इनवॉइस उनको क्या चाहिए, अमेजोन को इनवॉइस चाहिए इसी राइट्स ओनर से परचेज की हुई, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने चाइना से ये प्रोडक्ट मंगवाई है, उन्होंने अलीबाबा से ये प्रोडक्ट सोर्स की है, तो उनके पास इनसे जो यहाँ के ट्रेडमार्क ओनर हैं वहाँ की इनवॉइस उनके पास नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी नहीं है और उनके पास लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी नहीं है, तो अभी वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ से जो है वो निकलेंगे और किस तरह से हम इस चीज़ को जो है वो इस इशू को रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने अमेजोन ने सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं और इवन राइट्स ओनर कम्युनिकेशन भी दी हुई है कि हेलो अमेजोन, वी हैव गॉन थ्रू लिस्टिंग एंड वी आर श्योर द सेलर इज सेलिंग काउंटरफीट प्रोडक्ट। तो वो कह रहे हैं कि ये काउंटरफीट प्रोडक्ट मीन्स काउंटरफीट प्रोडक्ट वो है कि जो कि एक ओरिजिनल के मुकाबले में बनाई गई है उसी ओरिजिनल को कॉपी किया गया है, मीन्स कॉपीड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, एज वी डोंट हैव एनी रीसेलर इन कंट्री। ओके, तो वो कह रहे हैं यूएई में हमारा रीसेलर कोई नहीं है, तो हम श्योर हैं कि ये सेलर जो है वो काउंटरफिट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सेल कर रहा है। वी हैव सीन सो मैनी फेक वेरियंट एंड वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग एक्शन विद डीईडी यूएई, वी रिक्वेस्ट अमेजोन टू रिमूव दिस लिस्टिंग। तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा फेक वेरियंट इसके देखे हुए हैं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेक वेरिएंट, बहुत ज़्यादा फेक उसके जो है कॉपीज निकली हुई हैं और वो सेल हो रही हैं, तो हम जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट डीईडी यूएई जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूएई का है उसके साथ मिलके हम एक एक्शन ले रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है अमेजोन को कि प्लीज़ ये रिमूव लिस्टिंग जो है रिमूव कर दें, और अमेजोन ने ऐसा ही किया, अमेजोन को पता है कि ये राइट्स ओनर है, ये ट्रेडमार्क का ओनर है, तो अमेजोन ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए इस लिस्टिंग को रिमूव कर दिया है, और ये उसका ASIN है ये, और ये सारी डिटेल्स हैं इन्फ्रिंजमेंट टाइप काउंटरफीट। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आपको इस तरह की काउंटरफीट की कोई भी कंप्लेंट जो है वो रिसीव हो सकती है आपके अकाउंट पे। ओके, देन ट्रेडमार्क असर्टेड, तो ये ट्रेडमार्क का नंबर भी उन्होंने दे दिया कि भाई आप चेक कर लें कि ट्रेडमार्क वाकई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अभी मैं आप सबको बता दूं कि हमें ट्रेडमार्क चेक करने के लिए कौन सी जो वेबसाइट है वो हमें लेनी है। ठीक है, तो यूएई में कौन सी वेबसाइट हम उस पे चेक कर सकते हैं, हम जा सकते हैं मर्केरिया.com।
तो Markarya.com जो है वो एक वेबसाइट है, इनके पास डेटाबेस है पूरे थ्रू वर्ल्ड वाइड जो है इनके पास एक डेटाबेस है ट्रेडमार्क्स की और डिफरेंट किस्म की रजिस्ट्रेशन की, तो यूएई का जो है डेटा वो भी इसमें कवर होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्च कर लूँगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये सर्च में जाके ट्रेडमार्क सर्च किया और यहाँ पे ये हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। अभी यहाँ पे क्या जाएंगे हम, यहाँ पे एंटर ट्रेडमार्क टर्म टू सर्च, ओके। मैं यहाँ पे इसका ट्रेडमार्क नंबर जो मैंने यहाँ से लिया है, ठीक है, ये नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है अपना कंट्री यूएई सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे यूएई सेलेक्ट करने के लिए आपको एशिया में जाना पड़ेगा, यूएई मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ओके। हम जाएंगे यहाँ पे और सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ट्रेडमार्क वाकई यूएई में इसको रजिस्टर किया हुआ है या नहीं। तो यस, सर्च बाय ट्रेडमार्क नंबर। ओके, अब ये सर्च करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। ओके, सर्चिंग, फाउंड वन ट्रेडमार्क मैचिंग योर नंबर। तो ये ट्रेडमार्क नंबर है, इससे हमने सर्च किया है और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेडमार्क जो है वो हमारे सामने आ गया है। तो ये ट्रेडमार्क कह रहा है ग्रीन वेल्थ है, क्लासेज इसकी 3 है, ट्रेडमार्क की डिफरेंट क्लासेज होती हैं, तो ये उसको मैंशन कर रहा है, स्टेटस रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे ये ट्रेडमार्क यूएई में रजिस्टर्ड है, ये कन्फर्म हो गया हमें, ठीक है। इसका ये फाइलिंग नंबर है एंड देन इस डेट को ये ऑब्टेन हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका ये है और ये ऑब्टेन का, तो और उसके साथ ये एप्लीकेंट का नेम लिखा हुआ जिन्होंने एप्लीकेशन दी है और जिन्होंने ये रजिस्टर किया है, ओके। ये कंपनी का नेम होगा, कुछ भी होगा, जो भी है, हमें उससे कुछ लेना नहीं है। लेकिन हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये ट्रेडमार्क यूएई में रजिस्टर्ड है, तो हम अमेजोन को भी यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं भाई ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है या कुछ और भी ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं हम अमेजोन को बोल सकते। तो आजकल जो है वो हम इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो राइट्स ओनर है उससे डिस्कशन कर रहे हैं और एज अ प्लान भी हम प्लान ऑफ एक्शन जो है वो भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। होपफुली हमारी वर्किंग जो है वो बेटर जाएगी और ये जो इशू है हमारे फ्रेंड्स का, उनका ये इशू रिजॉल्व होगा। तो हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका इशू ये रिजॉल्व करके दें हमको, ओके, ठीक है। हम तो वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ओके। तो कैसे हम चेक करेंगे कि ब्रांड, एक ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है, ओके। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए क्या है, आप अमेजोन में जाएं, जब भी आप लिस्टिंग करने लगें आप इस चीज़ को, इस चीज़ पे पूरी रिसर्च कीजिएगा और फिर ही आप कोई कोई लिस्टिंग कीजिएगा, ओके। हम जाते हैं ओके, न्यू रिलीजेस, बेस्ट सेलर्स, बेस्ट सेलर्स पे हम चले जाएंगे और हम चले जाते हैं किसी भी कैटेगरी में, हम चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं इधर ये ब्यूटी कैटेगरी, गार्नियर पे चले जाते हैं, ओके। हम सबको पता है कि गार्नियर जो है वो एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, ठीक है। तो हमें इससे कोई इसमें कोई शक नहीं है किसी चीज़ का, ओके। जब हम यहाँ पे आते हैं इस प्रोडक्ट पे, तो हम सोचेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ओके। इस प्रोडक्ट को हम लिस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे यहाँ से देख के हम कह सकते हैं नहीं लिस्ट कर सकते। वजह उसकी क्या है कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखें विजिट द गार्नियर स्टोर, ओके। यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, तो आपके सामने गार्नियर का पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा, एक स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, अमेजोन के पास एक ऑप्शन है ब्रांड रजिस्ट्री का, तो अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री का ऑप्शन देता है। कुछ जो सेलर्स हैं वो अपने ब्रांड को अमेजोन के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, तो अमेजोन ये ऑप्शन उनको देता है और जब वो ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं, अमेजोन उनको एक स्टोर फ्रंट पूरा प्रोवाइड कर देता है कि आप यहाँ पे अपना पूरा स्टोर फ्रंट बना लें, अपनी जो भी मार्केटिंग आपने करनी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें शो कर रही है कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजोन के साथ, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो जहाँ भी हमने ये देखा कि विजिट द गार्नियर स्टोर और विजिट द लोरियल स्टोर और एप्पल स्टोर और जो भी कुछ भी, तो हमें वहाँ पे ही पता चल जाना चाहिए कि ये ब्रांड जो है वो अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ पे इसमें लिस्टिंग नहीं करेंगे। हम चाहते हैं वापस
ये एक सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं कुछ और सिनेरियोज आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं एप्पल आईफोन। सबको पता है एप्पल ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, और डेफिनेटली यूएई में भी उन्होंने रजिस्टर किया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिट द एप्पल स्टोर, दैट मीन्स कि उनका एप्पल स्टोर ऑलरेडी बना हुआ है, उनका स्टोर फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये रजिस्टर्ड हैं यूएई अमेजोन के साथ। ओके, नो डाउट इन दैट। ठीक है, वापिस आ गए। कौन सा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूँ, तो ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, ये वही प्रोडक्ट है जिसकी जिसके ऊपर हम डिस्कस करते आए हैं अभी तक। तो हमने काफ़ी डिस्कस किया है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, कैसे पता चलेगा? ब्रांड पे आ गए और यहाँ पे ब्रांड पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे क्लिक किया जब आपने, तो या तो आपको यहाँ पे कोई बैनर नजर आएगा, इसका एक बैनर बना होगा इसी ब्रांड का, ब्रांड का नाम है प्रोक्लीन, इसका बैनर कोई नजर आएगा, या उसका स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। ये ब्रांड यूके का ब्रांड है और यूके में ये ब्रांड है, यस, बट ये ब्रांड यूएई में अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। दैट्स वाई पीपल आर डूइंग लिस्टिंग एंड पीपल आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये डिफरेंट सिनेरियोज आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। ये हमने ले लिया, क्या नाम है इसका, क्विक वाइप्स, सम स्नीकर वाइप्स आर देयर। ओके, तो ब्रांड ये ब्रांड है, क्लिक कर लें इस पे। तो यहाँ पे आपको कोई स्टोर फ्रंट ओपन नज़र नहीं आया और यहाँ पे कोई बैनर भी नहीं है। अगर तो यहाँ पे बैनर आ जाएगा ना, इसी का, ये जो भी है मौजूद इसका नाम है ब्रांड का, यहाँ पे अगर उसका बैनर सामने आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो ब्रांड रजिस्टर्ड है यूएई के साथ। ओके, यहाँ पे हमें उसका बैनर नज़र नहीं आया और हमें इसका स्टोर फ्रंट नज़र नहीं आया, तो दैट मीन्स ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे इस ब्रांड को, ब्रांड के नेम को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे markaria.com। ओके, markaria.com, यहाँ पे आके हम इसके नेम से सर्च कर लेंगे। अभी पहले हमने क्या किया था, ट्रेडमार्क नंबर से सर्च किया था, अभी ब्रांड नेम से सर्च कर लेंगे। तो ये हम सर्च करते हैं यहाँ पे। ओके, ये कह रहा है कि ब्रांड नंबर इज़ नॉट करेक्ट। ओके, हाँ, क्योंकि हमने पहले ब्रांड नंबर से, ट्रेडमार्क नंबर से किया था सर्च, इस वजह से वो पूछ रहा है कि आप ट्रेडमार्क नंबर एंटर करें। तो हम वापस आते हैं और हम दोबारा यहाँ पे ब्रांड नेम एंटर कर दिया, एशिया में आगे यूनाइटेड एमिरेट्स जो है वो उसको सेलेक्ट कर लिया और सर्च कर दिया। ओके, ये सर्च नहीं कर रहा है, हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सर्च, ट्रेडमार्क सर्च। ओके, ट्रेडमार्क सर्च, ब्रांड का नेम एशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सर्च। ठीक है, अभी ये सर्च कर रहा है ब्रांड के नेम से। ओके, ये कह रहा है फाउंड जीरो ट्रेडमार्क्स कंटेनिंग योर टर्म, तो वो कह रहा है कि कोई ट्रेडमार्क जो है इसका हमें नहीं मिला। दैट मीन्स कि यूएई में ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। और मैंने भी आपको यहाँ से देख के यही बताया था कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ना ही इसका स्टोर फ्रंट ओपन हो रहा है और ना ही यहाँ पे कोई बैनर हमें नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे हमें बैनर भी नज़र आ जाए और इसका लोगो भी नज़र आ जाए कहीं पे यहाँ पे मौजूद का, तो दैट मीन्स कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, इस सिनेरियो से भी हमने चेक कर लिया और दूसरे सिनेरियो से भी, यहाँ से भी जो कि एक प्रॉपर सर्च है ट्रेडमार्क की, ब्रांड रजिस्ट्री की, तो वो भी हमने सर्च कर लिया, लेकिन ये हमें ये ब्रांड यहाँ पे नहीं मिला। दैट मीन्स ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। आप इसमें लिस्टिंग कर सकते हैं, आप इसमें सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट जितनी मर्जी सेल करें, आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, देन यू गो नेक्स्ट, यहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन लीड, सिलिकॉन लीड्स। ओके, तो ये आपको एक ये प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। बेस्ट सेलर है ये अपनी कैटेगरी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रांड अदर। तो जहाँ पे भी ब्रांड अदर आ जाए या ब्रांड जेनेरिक आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, ये एक जेनेरिक ब्रांड है, या एक जो आप कह सकते हैं कि
विदाउट एनी ब्रांड रजिस्ट्री, विदाउट एनी ब्रांड नेम ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे ब्रांड अदर में, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक्चुअली एक आप कह लें एक किस्म का मिक्सचर काइंड ऑफ ब्रांड है या एक मिक्सचर काइंड ऑफ लिस्टिंग है, जिसमें आप किसी भी किस्म की ब्रांड की रजिस्ट्री जिसकी जिनकी ब्रांड की रजिस्ट्री नहीं हुई उनकी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप ये ले लें, ये केबल ऑर्गेनाइजर बैग ग्रे इसको ले लें, ये अमेजोन चॉइस है, ये अच्छा सेल होने वाला है और इसकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई, इसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है और आप इसको सेल कर सकते हैं। 16 पीपल जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये भी आपको शो कर देगी कि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे तो दैट मीन्स के ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो 3-4-5 से ज़्यादा लोग वहाँ पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको उस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट से गुजरना पड़ता है और बहुत कम जो एस्टेब्लिश्ड सेलर होते हैं सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं, जो न्यू सेलर्स होंगे हमारे जैसे या आपके जैसे वो नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। अगर यहाँ पे 16 सेलर्स सेल कर रहे हैं दैट मीन्स के ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप विदाउट एनी डाउट जो है वो इसमें लिस्टिंग करके इस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, एक अदर में भी आ जाएगा तो, और एक यहाँ पे जेनेरिक जो मैंने अभी आपको बताया, तो जेनेरिक के नाम से भी अगर सर्च कर लेंगे तो जेनेरिक प्रोडक्ट सारी आपके सामने आ जाएंगी। आप ये देखें फॉर एग्जांपल ये है एक ये प्रोडक्ट जेनेरिक है, आप इसको सेल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा था कि किस तरह से आप ब्रांड को चेक कर सकते हैं mercaria.com, किस तरह से सर्च करना है ट्रेडमार्क नंबर अगर आपके पास है उससे, और अगर आपके पास सिर्फ ब्रांड का नेम है सिर्फ उसको कॉपी करें और सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ थी, आपको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दी कि किस तरह से आपको इस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो आप प्लीज़ इसको लाजमी फॉलो कीजिए, जब भी आप लिस्टिंग करते हैं आपकी वर्किंग पूरी होनी चाहिए, आपकी स्टडी पूरी होनी चाहिए उस पर, और फिर ओनली आफ्टर दैट यू कैन डू दैट लिस्टिंग। अदरवाइज आप लिस्टिंग ना करें, आप कोई भी ऐसा रिस्क ना लें, क्योंकि आपका नया सैलर अकाउंट होगा या आपका जो भी है आपको कोई भी उस पर प्रॉब्लम आ जाएगा तो बाद में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर इतना ही, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके हर कॉमेंट का आंसर करूँगा। और प्लस आपको बताया था कि अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ आपको, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी किस्म का इशू, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो मेरे से हल हो सकता है तो वो मैं आपको ज़रूर उसमें गाइड करूँगा, उसमें हेल्प करूँगा और डेफिनेटली मैं आपके कॉमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।